हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी आईपीएल टीमें अपने अपने रिस्पेक्टिव टारगेट प्लेयर्स को टारगेट कर रही हैं, और उसके हिसाब से अब सभी आईपीएल टीमों के कंप्लीट स्क्वाड के बारे में हमें आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले ही काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 आईपीएल टीमों के कंप्लीट आईपीएल 2022 में किस तरीके से उनकी टीम रहने वाली है, किस तरीके से उस टीम में चेंजेस होंगे, किस तरीके से बैलेंस पर्स में कौन कौन से प्लेयर्स को ये टीम शामिल करेगी, यही सब बातें आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लिस्ट में। सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी टीम में 4 प्लेयर्स को रिटेन किया था, जिसके बाद इनका बैलेंस पर्स 47.5 यानी कि 47.5 करोड़ रुपए बचा हुआ है, जितने पैसों को लेकर यह टीम मेगा ऑक्शन में जाएगी। अब अगर बात की जाए मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी, तो इनको अपनी टीम में 21 प्लेयर्स को और परचेस करना पड़ेगा, तभी इनका 25 प्लेयर्स का स्क्वाड कंप्लीट होगा। लेकिन बात की जाए डीसी के टॉप प्रायोरिटीज की, तो जिन प्लेयर्स को ये टारगेट करते हुए आपको नजर आने वाली है, उसमें नाम निकल कर आ रहा है एलेक्स हिल्स का, उनके साथ ही शार्दुल ठाकुर का और उनके साथ ही शाहरुख खान। इन 3 प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स की टीम मेगा ऑक्शन में आप लोगों को टारगेट करते हुए नजर आएगी इस लिस्ट में। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की टीम की, तो मुंबई इंडियंस ने भी अपनी टीम में 4 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया था, जिसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम का बैलेंस पर्स करेंटली 42 करोड़ रुपए डिडक्ट हो गया था, जिसकी वजह से 48 करोड़ रुपए इनका बैलेंस पर्स बचा हुआ है। जिसमें अगर बात की जाए एमआई के टारगेट प्लेयर्स की, तो ना सिर्फ मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट बल्कि इनके कप्तान रोहित शर्मा भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम अपने पुराने प्लेयर्स को ही टारगेट करने वाली है। तो एमआई की टीम जिन प्लेयर्स के पीछे जाएगी, उसमें नाम निकल कर आता है ईशान किशन का, उनके साथ ही हार्दिक पांड्या, उनके साथ ही ट्रेंट बोल्ट, और उनके साथ ही इस लिस्ट में एक और प्लेयर का नाम जुड़ चुका है जो कि है जॉन इंग्लिश, जिनके बारे में हमने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साइड से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस की टीम ऑलरेडी इनके कांटेक्ट में चल रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, इसके साथ ही आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आरसीबी की टीम की बात की जाए, तो आरसीबी ने सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को रिटेन किया था, जिसके बाद 33 करोड़ रुपए इनके बैलेंस पर से डिडक्ट हो गए थे और अब इनका बैलेंस पर 57 करोड़ रुपए बचा हुआ है। अब अगर बात की जाए मेगा ऑक्शन में इनकी टॉप की प्रायोरिटी में कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं, तो आरसीबी की टीम आपको कगिसो रबाडा, उनके साथ ही श्रेयस अय्यर और उनके साथ ही ईशान किशन, इन सभी प्लेयर्स को टारगेट करते हुए नजर आने वाली है, जहां पर इनका मेन फोकस मिडिल ऑर्डर बैटिंग और उनके साथ ही फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पर रहेगा। चौथे नंबर पर बात की जाए पंजाब किंग्स की टीम की, तो पंजाब किंग्स की टीम ने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया था, जिसकी वजह से इनके सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही डिडक्ट हुए और अब ये 72 करोड़ रुपए लेकर मेगा ऑक्शन में जाएंगे। और अगर इनकी बात की जाए टॉप प्रायोरिटीज की, तो सबसे पहले तो एक कैप्टन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर या फिर डेविड वार्नर के पीछे ये टीम काफी बड़ी बिटिंग करेगी, और उसके साथ ही ऑलराउंडर की पोजीशन के तौर पर पंजाब किंग्स की टीम आप लोगों को बेन स्टोक्स को टारगेट करते हुए नजर आएगी इस लिस्ट में 5वें। और आखिरी नंबर पर अगर बात की जाए लखनऊ की टीम की, तो लखनऊ की टीम को पहले प्री ऑक्शन में 3 प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करने की जरूरत है, जिसके बाद 33 करोड़ रुपए उनके बैलेंस पर से भी डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि लखनऊ की टीम का नया बैलेंस पर्स हो जाएगा 57 करोड़ रुपए। और 57 करोड़ रुपए में लखनऊ की टीम जिन प्लेयर्स को टारगेट करेगी, वो हमारे सामने ऑलरेडी निकल कर आ चुके हैं, वो हैं युजवेंद्र चहल, उनके साथ ही डेविड वार्नर और उनके साथ ही केएल राहुल, और जितने भी इनके प्री प्लेयर्स हैं वो आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले पहले देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स, सीएसके, अहमदाबाद केकेआर और एसआरएच की टीम के बारे में बात की जाएगी या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।